साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको Google Finance पे एक ऐसी ऑटोमेटेड सीट बनाना सिखाऊंगा जो आप रोज मार्केट खुलने से पहले एक बार खोल लेंगे तो वो सीट खुद बोलेगी कि आज आपको निफ्टी 50 में से कौन सा शेयर खरीदना है, आज आपको बैंक निफ्टी में से कौन सा शेयर खरीदना है, आज आपको निफ्टी 200 में से कौन सा शेयर खरीदना है, आज आपको कौन सा ETF खरीदना है। सीट खुद आपको बाकायदा लिख के बताएगी और पूरी तरह ऑटोमेटेड सीट होगी। गूगल फाइनेंस से इसके डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे, पूरी तरह से ये ऑटोमेटिक सीट होगी। तो इस सीट का मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये सीट आपको बनाना भी सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में एक शेयर पे अप्लाई करके बताऊंगा कि यदि आपने इसको विगत 2 सालों में इस सीट की साइकिल ट्रेडिंग की होती तो हमें क्या इसके परिणाम देखने को मिलते और परिणाम देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वीडियो में मैं आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या प्रॉफिट टारगेट रखना है, कितनी पूंजी हो तो एक शेयर में कितना पैसा लगाना है, सारी बात बताऊंगा। वीडियो आपको इसीलिए देखने में थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन यदि एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे और आपके दिल में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को तैयार करने में लगभग 40 दिन की अथाह मेहनत अथक परिश्रम किया है। मैंने पूरे गूगल फाइनेंस के फार्मूले सीखे हैं, इसके अंदर एक एक गूगल फाइनेंस एक्सेल के फार्मूले सीखे हैं और काफी मैंने एक ऑटोमेटेड सीट आपके लिए बना करके मैं प्रैक्टिकली इनको शेयरों पे अप्लाई कर करके लेके आया हूँ। मैंने कॉल भी करवाया, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक इलेक्शन भी करवाया, मैंने आप सबसे वोटिंग भी करवाई कि कौन से शेयर में मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमारी परंपरा रही है, मेरे पिछले वीडियो देख करके मेरी टीचिंग से मेरे जिन फॉलोअर्स को फायदा हुआ है और जिन्होंने जीरो दा के 60 डे चैलेंज को जीता है उनके सर्टिफिकेट दिखा के उनका उत्साह वर्धन करने की और उनके सर्टिफिकेट देख करके दूसरे जो नए फॉलोअर्स है उनका उत्साह वर्धन करने की हमारे चैनल पे एक परंपरा रही है। तो 5 मिनट के इस भाग में पहले मैं मेरे जिन फॉलोअर्स ने पिछले 1 महीने में जीरो दा से 60 डे विनर चैलेंज जीत करके मुझे सर्टिफिकेट भेजे हैं उन फॉलोअर्स के सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगा। जिनको रुचि नहीं है वो 5 मिनट का भाग स्किप कर सकते हैं, परंतु मैं तो कहूंगा इसको भी अवश्य देखें। दूसरों के सर्टिफिकेट देखने से आपको प्रेरणा मिलेगी, आप भी अपना सर्टिफिकेट जीतेंगे तो मुझे ईमेल करेंगे, मैं अपनी ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप यदि सर्टिफिकेट जीतते हैं तो मुझे ईमेल कीजिएगा। आइए पहले मेरे फॉलोअर्स के सर्टिफिकेट देख लेते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट अनीता कंवर जी ने जीत के भेजा है, लगातार चौथी बार अनीता कंवर जी ने ये विनर सर्टिफिकेट जीता है। आप लोग भी जीत सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अनीता कंवर जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है प्रवीण प्रभाकर पारखे जी। प्रवीण प्रभाकर पारखे जी ने 17 सितंबर 2020 को ये प्रमाण पत्र जीता है। प्रवीण प्रभाकर पारखे जी, आप जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहें, मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मनोज कुमार जी ने भी ये सर्टिफिकेट जीत के मुझे भेजा है। मनोज कुमार जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है मनोज कुमार गोवर्धन भाई फिनाविया जी का, बहुत ही प्यारा नाम है मनोज कुमार गोवर्धन भाई फिनाविया जी आपका, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इन्होंने लेटेस्ट 15 अक्टूबर 2020 को ये सर्टिफिकेट जीत करके मुझे भेजा है। अगला सर्टिफिकेट है निधि वाजपेयी जी का। निधि वाजपेयी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशीष वाजपेयी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट थोड़ा आपको अलग टाइप का दिखेगा, ये फायर्स ब्रोकिंग कंपनी का है, ये जीरोधा का नहीं है। फायर्स भी एक स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग कंपनी है, इनका खाता फायर्स में होगा। ये आशीष कुमार वाजपेयी जी हैं, इनका खाता फायर्स में है। आशीष कुमार वाजपेयी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये जो 30 डे चैलेंज ही देते हैं फायर्स कंपनी वाले, वहां इन्होंने ये सर्टिफिकेट जीता है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है ये रामवर्त पांडे जी का। रामवर्त पांडे जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इन्होंने अगस्त में जीत लिया था लेकिन मुझे थोड़ा लेट भेजा इन्होंने। रामवर्त पांडे जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है सचिन गुप्ता जी का, थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है मुझे।
सचिन गुप्ता जी ने लगातार तीसरी बार ये विनर सर्टिफिकेट जीता है। और सचिन गुप्ता जी मेरी किताबों में हिंदी की गलतियां वगैरह भी निकालते हैं, कई बार मुझे भेजते हैं। तो दोनों कामों के लिए सचिन गुप्ता जी, सर्टिफिकेट जीतने के लिए और मेरी पुस्तकों में हिंदी की त्रुटि निकाल के मुझे भेजने के लिए, दोनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट भी थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा आपको। ये चंद्रशेखर जी ने भेजा है। जीरोधा के अंदर एक वर्सिटी ऐप है, वर्सिटी का बारे में मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, वहाँ पे आप फ्री में स्टॉक मार्केट्स के बारे में ट्रेनिंग और कोर्स कर सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे स्टॉक मार्केट बेसिक्स का ये कोर्स पूरा करके मुझे भेजा है, तो ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिले कि आप लोग भी इसके अंदर वर्सिटी ऐप में जाके स्टॉक मार्केट की मुफ्त ट्रेनिंग वगैरह कर सकें, इसलिए मैंने सर्टिफिकेट भी इसके अंदर शामिल किया है। तो चंद्रशेखर जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। ये है दीपक कुमार हंस जी। दीपक कुमार हंस जी ने लगातार दूसरी बार ये सर्टिफिकेट जीत के मुझे भेजा है। दीपक कुमार हंस जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है विकास कृष्ण कांत त्यागी जी। ये विकास कृष्ण कांत त्यागी जी मेरे बहुत पुराने फॉलोअर है, 2-3 सालों से इनके कमेंट्स और जो ईमेल मेरे पास लगातार आ रहे हैं। तो विकास कृष्ण कांत त्यागी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है आनंद कुमार मौर्य जी, इन्होंने लगातार दूसरी बारी जीता है। आनंद कुमार मौर्य जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट आ रहा है अब फैजल मोहम्मद सेफी मंसूरी जी का। फैजल मोहम्मद सेफी मंसूरी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, इन्होंने भी ये सर्टिफिकेट जीत के मुझे भेजा है। अगला सर्टिफिकेट ये भी जीरोधा यूनिवर्सिटी ऐप का है, वेंकटेश श्रीकांत भाई जी का। इन्होंने पहले भी एक सर्टिफिकेट भेजा था मुझे, एक कोर्स इन्होंने पहले पूरा किया था, और अब वेंकटेश श्रीकांत भाई जी ने टेक्निकल एनालिसिस पे कोर्स पूरा किया है, इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में यूनिवर्सिटी ऐप पे मुफ्त में समझाया हुआ है, जीरोधा की है यूनिवर्सिटी ऐप, तो आप भी उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा जो है अपनी कीमत दे के जाता है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। ये है शशिकांत कुमार जी। शशिकांत कुमार जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी का, दूसरी बार जीत के इन्होंने भेजा है। तो सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है भारती जी का। भारती जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है शिवराज अरुण सिंट्रे जी का। शिवराज अरुण सिंट्रे जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है पूनम कुमारी जी का। पूनम कुमारी जी ने भी लगातार दूसरी बार जीता है। पूनम कुमारी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है शिल्पा त्रिवेणी प्रसाद गुप्ता जी का। तो शिल्पा त्रिवेणी प्रसाद गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है राधे श्याम दादित जी का। इन्होंने लगातार तीसरी बार जीत के मुझे भेजा है। राधे श्याम दादित जी बहुत खुशी होती है इस तरह से आप लगातार जीत के भेजते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये मेरा खुद का सर्टिफिकेट है, महेश चंद्र कौशिक मेरे खुद का नाम है, मैंने खुद भी लगातार छठी बार ये जीता है, तो मुझे भी बहुत बहुत बधाई और मुझे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी अपनी तरफ से ही। और ये सर्टिफिकेट सीमा कौशिक मेरी पत्नी जी का है, ये मुझसे भी आगे निकली, इन्होंने लगातार 7वीं बार ये सर्टिफिकेट जीता है। अभी 15 अक्टूबर 2020 को इनको लेटेस्ट ये मिला है, लगातार 7वीं बार इन्होंने जीरोधा का 60-डे विनर चैलेंज कंप्लीट किया है। आप मेरी पत्नी जी को जानते होंगे, यूट्यूब पे इनका सीमा की रसोई नाम से कुकिंग चैनल भी है, तो पत्नी जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई वाह, मजा आ गया आपके सर्टिफिकेट देख के, आप सबने मेरा दिल खुश कर दिया। इसी प्रकार से आप लोग सर्टिफिकेट जीतते रहे और मुझे भेजते रहे। अब ये सर्टिफिकेट देखने के बाद मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं, नए जो फॉलोवर है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि सर इन्होंने कौन सी विधि यूज की थी कि जो इन्होंने सर्टिफिकेट जीता। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पे 5 प्रमुख विधियां आपको बताई गई है। इसमें अक्सर फॉलोअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं,
के जो जिनके पास मेरे फोन नंबर है, मैं यद्यपि आपको प्रोत्साहित नहीं करता कि आप मुझे फोन करें, क्योंकि मेरे 1 लाख फॉलोअर है, मैं किसी को अपने फोन नंबर देता भी नहीं, परंतु कहीं ना कहीं कोई प्रभात प्रकाशन का मिलने वाला है उनसे मेरे फोन नंबर कबाड़ लेता है, कोई मेरे किसी अधिकारी ऑफिसर का मिलने वाला है उससे मेरे फोन नंबर ले लेता है। तो काफी बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के मेरे पास इस तरह के फोन आते हैं कि अब कौन सी विधि यूज करें, इतनी सारी विधियां हैं चैनल पे। तो देखो मेरे चैनल पे 5 प्रमुख विधियां हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक तो डार्वस बॉक्स थ्योरी मेथड है, एक STP मेथड है, एक डेली 4 ऑर्डर जो है टॉप 3 स्टॉक्स में लगाते हैं, जिसमें लार्जेस्ट जो मार्केट कैप वाले 3 स्टॉक है, रिलायंस है, TCS है, HDFC, इस तरह के लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले जो टॉप 3 स्टॉक है उनमें रोज 4 ऑर्डर बनने वाली विधि है। इन सब के अलग अलग वीडियो उनके लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वीडियो के नीचे देखें डिस्क्रिप्शन होती है, वहां क्लिक करें, आपको जो डिटेल जो है वीडियो की लिखी मिलेगी ना, उसमें इन 5 विधियों के वीडियो के लिंक मिलेंगे। अब ये प्रश्न पूछते हैं कि 5 में कौन सी अच्छी है, हम कौन सी करें, तो भाई 5 ही अच्छी है। मारुति कंपनी अलग अलग तरह की कारें बनाती है, अल्टो भी बनाती है, वो एस्प्रेसो कार भी बनाती है, वो स्विफ्ट डिजायर भी बनाती है, वो विटारा ब्रेजा भी बनाती है। तो मारुति वालों को पूछो आपकी कौन सी कार अच्छी है, वो कहेंगे हमारी तो सभी कारें अच्छी है, आपको जो पसंद आए जो आपके बजट में वो ले लो। तो इसीलिए आपका ट्रेडिंग करने का मेथड क्या है, आपकी कैपिटल क्या है, आपकी पूंजी क्या है, आपकी कितनी रिस्क टेकिंग क्षमता है, ये 5 वीडियो देख के आपको खुद तय करना है इसमें आप कौन सी मेथड को यूज करें। और फिर क्या करते हैं कि आज का वीडियो देखेंगे तब ये कमेंट पे आ जाते हैं कि अरे आपने भी एक नई वीडियो और बता दी, अब हम कौन सी विधि करें। कुछ फॉलोअर्स कहेंगे सर मैं STP मेथड यूज करता था, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैंने आपको सर्टिफिकेट जीत के भेजा, अब आपकी आज वाली विधि कर ठीक है या STP मेथड ठीक था। कुछ कहेंगे सर मैं डार्वस बॉक्स थ्योरी से ट्रेडिंग करता था, वो ठीक था या आज वाला मेथड ठीक है। कुछ कहेंगे सर मैं जो डेली 4 ऑर्डर वाली विधि से ट्रेड कर रहा था 2 साल हो गए, काफी अच्छा मैंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, अब क्या तुम इसको छोड़ दू क्या, आपकी आज वाली मेथड में आ जाऊं क्या। तो ऐसा नहीं है, सभी मेथड अच्छे हैं। आपको यदि पुराने किसी मेथड में प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको यूज कर रहे हैं, आपका उसमें हाथ सेट हो गया, तो आप उसी में रहिए, मैं नहीं कहता आप नए मेथड में आइए, लेकिन अब मेरा तो दायित्व है कि मैं जो जो नई नई विधियों का आविष्कार करता हूँ, जो जो नई नई रिसर्च करता हूँ, वो फॉलोअर्स के सामने रखना। तो ये आपको तय करना है आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, सभी मेथड अच्छे हैं, कोई मेथड बुरा नहीं है, आपको सभी मेथड्स को प्रैक्टिकल आजमा के देखना है। तो 5 मेथड है, एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं मोटा मोटा, डार्वस बॉक्स थ्योरी वाला STP मेथड में सिर्फ मेरी जो रिकमेंडेशन है, मेरे ब्लॉग पे महीने में 2 बार जो रिकमेंडेशन आती है उनको आपको STP मेथड के अंदर यूज करना है। डेली 4 ऑर्डर वाला जो मेथड है वो सिर्फ जो है लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले जो 3 टॉप स्टॉक्स है उन्हीं पे यूज करने हैं। स्मार्ट एवरेजिंग मेथड जो है वो सिर्फ बलूचित कंपनियां है, लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले जो 20 शेयर है उन्हीं में यूज करने हैं। और ETF से पूरा पोर्टफोलियो बनाने का जो मेथड है वो आपको जितने भी 10,000 से ज्यादा वॉल्यूम वाले ETF है उनमें यूज करना है। आज जो मेथड बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल अलग ही मेथड है, उसमें तो आपको गूगल फाइनेंस पे एक पूरी ऑटोमेटेड शीट बनाने का मेथड मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इस मेथड को मैं आपको प्रैक्टिकल एक शेयर में भी यूज करके बताऊंगा। तो उस कौन सा शेयर चूज करना है मैंने अपने दिमाग से चूज नहीं किया, वो भी आप लोगों ने चूज करके दिया है। 2 दिन पहले मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे फॉलोअर्स का एक पोल कराया कि मैं इस तरह की विधि लेके आने वाला हूं, तो न्याय हो जाए आपके साथ, कोई किसी तरह का अन्याय नहीं हो, इसलिए मैंने उनको 5 सबसे ज्यादा गिरने वाले निफ्टी के शेयर बताए कि निफ्टी के 5 ऐसे शेयर है जो पिछले 1 साल में 53% से लेकर के 37% तक गिर गए हैं। तो आप लोगों ने ही 2,200 लोगों ने इसके अंदर मतदान किया, पोल किया और एक शेयर चूज करके वो सामने लेके आए कि हमें जब प्रैक्टिकल में बताओ तो इस शेयर में बताना। तो पहले आइए उस पोल को, उस पोल का परिणाम को देख लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट का ये पोल का परिणाम का वीडियो है, आप देख लीजिए। तो साथियों ये है वो पोल जिसमें मैंने आपको 5 शेयर दिए थे, ONGC, इंडसइंड बैंक, IOC, कोल इंडिया और L&T, कि किसमें मैं आपको मेरा सिस्टम चेक करके बताऊं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2200 लोगों के करीब मेरे फॉलोअर्स ने, 2200 के करीब मेरे फॉलोअर्स ने वोट किया है। इसमें इंडसइंड बैंक को सबसे ज़्यादा 36% वोट मिले हैं। मेरे फॉलोअर्स बहुत होशियार है, वो समझते हैं कि इंडसइंड बैंक जो है पिछले 2 सालों में 1800 रुपये से गिर करके 300 रुपये के आसपास आ गया, यानी 1800 से 300 रुपये तक जो शेयर गिर गया
1/6 के करीब जिसका प्राइस रह गया, उसमें यदि मैं सिस्टम को चेक करके बता दूंगा तो मेरे फॉलोअर्स को ये विश्वास हो जाएगा कि सिस्टम जो बना है वो बहुत ही अच्छा बना है। मैं इंडसइंड बैंक की प्रैक्टिकल में एक्सेल शीट कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा, इस एक्सेल शीट में क्या क्या फार्मूले आपको लगाने वो भी आपको सिखाऊंगा। तो आप खुद भी दूसरे जो शेयर बच गए जिन्होंने ONGC को पोल किया था या जिन्होंने IOC को किया था, वो खुद इस तरह से मेरे जैसे की जैसे सीट बना के सिस्टम को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो स्पष्ट रूप से 2200 लोगों ने जो वोट किया उनमें इंडसइंड बैंक ही फॉलोअर ज्यादातर फॉलोअर 36% फॉलोअर ये चाह रहे हैं कि मैं इंडसइंड बैंक में आपको इस विधि को समझाऊं। तो आज का मेथड अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। इस मेथड को समझाने के बाद आपको मैं इंडसइंड बैंक जो इस पोल में चूज किया गया है उस इंडसइंड बैंक के अंदर आपको प्रैक्टिकल में एक्सेल शीट पे इस मेथड को चेक करके बता दूंगा कि कैसे हमने इंडसइंड बैंक के अंदर मात्र 3 महीने में इस विधि को यूज करके 20% मुनाफा कमाया, जबकि शेयर तो साल में जो है 53% गिरा है, हम सिर्फ 3 महीने में ही 20% मुनाफा कमा के निकलेंगे इंडसइंड बैंक के अंदर। पर उससे पहले आप इस मेथड को समझ लीजिए कि गूगल फाइनेंस पे कैसे ऑटोमेटेड शीट बनेगी, क्या मेथड है इसमें, लॉजिक क्या है, क्या सिद्धांत मैंने यूज किए हैं, आप उसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक कोई हॉल बड़ा हुआ है, ये कोई बहुत बड़ा हॉल है, इस साइड में कोई हॉल है, ये बाहर ओपन स्पेस है। तो जो भी हमें एक कल्पना करते इस तरह की, मान लीजिए कि जो भी शेयर गिरने वाले हैं, जो शेयर अंडर परफॉर्मिंग शेयर है, जो शेयर जो है गिर रहे हैं, गिरने वाले शेयर हैं, वो सब इस हॉल के बाहर रहते हैं। जैसे ही शेयर हॉल के अंदर घुस जाता है, रूम के अंदर घुस जाता है, वैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए इस तरह की परिकल्पना कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हॉल क्या है, रूम क्या है, उसका ये दरवाजा क्या है। उस दरवाजे पे हम बैठ जाते हैं, ये हम बैठे हैं, हम ये मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ये देखो यहाँ मैंने एक छोटा सा एक कार्टून बनाया है, तो मैंने इतनी पेंटिंग में अच्छा नहीं हूं मैं, तो ये हम बैठे हैं यहाँ इस दरवाजे पे बैठ गए। हम जो ही शेयर दरवाजे के अंदर जाने लगता है, हमें पता है कि दरवाजे के अंदर जाने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगा, हम उसको कहते हैं आजा भाई, हम उस शेयर को खरीद लेते हैं। जब तक वो दरवाजे के बाहर रहता है हमें उससे मतलब नहीं है, हम उसको नहीं खरीदते, अंदर जाने के बाद भी नहीं खरीदते उसको। दरवाजे पे हमने जस्ट खरीद लिया, 10% वो ऊपर बढ़ गया, 10%, तो हम तो उसको बेच देंगे, हम उसको बेच देंगे। उसके बाद वो चाहे कितना ऊपर बढ़ता रहे, वो दोबारा दरवाजे से बाहर जाएगा, यहां से वो जो है छत पे चलेगा, छत पे से छलांग मार देगा। शेर ऐसे ही करते हैं हमेशा, छत पे चढ़ते हैं और रूम की छत पर से वो नीचे छलांग मार देगा, छलांग मारने के बाद दरवाजे के बाहर आ जाएगा वापस। और जब कभी दोबारा दरवाजे के अंदर जाएगा उस दिन हम उसको दोबारा खरीदेंगे। तो ऐसा क्या होगा इसमें मेरी मेथड में, साल में 1 या 2 बार ही होगा सिर्फ, आपको ज्यादा एवरेज आउट करने की भी इस मेथड के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ शेयर क्या होते हैं, बदमाश होते हैं, जब वो दरवाजे के अंदर घुसते हैं हमें ऐसा लगता है पढ़ने वाले हैं, हम उनको परचेज कर लेते हैं, वो इतना सा आने के बाद वापस बाहर निकल के भाग जाते हैं और बहुत तेज गति से निकल के भागते हैं, हमारे पकड़ने के बाद भी हमारे को छुड़ा के भागते हैं। तो जैसे वो जो आजकल वो बीमारी चली है ना कोरोना, कोरोना के चक्कर में एक चाइनीज बैटरी रखते हैं, बैटरी मारते हैं टॉ, और बैटरी मार के बता देते हैं इसके कोरोना है नहीं, तो ऐसे हमने इसके अंदर एक जो बैटरी भी बनाई है, हम शेर को दरवाजे में अंदर जाएगा खरीदने से पहले उस पर इस तरह से बैटरी मार के देखेंगे भाई तेरे क्या बीमारी तो नहीं है, यदि उसके बीमारी होगी तो हम नहीं लेंगे। तो इसी तरह से सिर्फ 2 सिस्टम हम यूज करेंगे, एक तो ये हम जो दरवाजा क्या है वो बताऊंगा आपको, और एक ये जो कोरोना पकड़ने वाली जो बैटरी हमारी वो बैटरी क्या है वो बताऊंगा। तो 2 सिस्टम हम सिर्फ सिंपल से यूज करेंगे, उस उन 2 सिस्टमों का प्रयोग करके हम गूगल फाइनेंस पे ऑटोमेटेड सीट बना लेंगे। तो अब मैं पहले तो उस रूम के दरवाजे के बारे में बताऊंगा। ये मान लीजिए किसी शेयर का ग्राफ है, किसी भी शेयर का एक काल्पनिक ग्राफ मैंने बनाया है आपको, रियल में भी मैं आपको बताऊंगा इंडसइंड बैंक में यूज करके इसको। ये किसी शेयर का ग्राफ है, ये इसकी 100 दिन की DMA है, 100 दिन की डेली मूविंग एवरेज। जैसे आप 10 दिन की DMA भी यूज करते हैं ट्रेडर, 5 दिन की DMA भी यूज करते हैं, 30 डेज की DMA भी यूज करते हैं, 50 डे की DMA भी यूज करते हैं, 100 डे की भी यूज करते हैं, और 200 डे की तो सबसे ज्यादा यूज होती है पूरे वर्ल्ड में। 200 दिन की DMA को एक टेक्निकल इंडिकेटर के रूप में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 200 दिन की DMA से जब शेयर ब्रेकआउट होगा तब तक तो बहुत लेट हो चुकी होगी, तो हम उसको आधे रास्ते भी पकड़ रहे हैं। हमारा जो वो दरवाजा है वो गेट है वो 100 दिन की DMA पे लगा हुआ है। तो ये कोई ग्राफ होता है किसी भी शेयर का, मान लो ये उसकी 100 दिन की DMA है। तो जब शेयर गिर रहा होता है, ये देखो अभी ये दरवाजे के बाहर है, अभी दरवाजे के अंदर जा रहा है, लेकिन ये झूठा जा रहा है, अंदर की तरफ गया और बाहर आ गया,
यानी इसके ऊपर अंदर वो हमें वो कोरोना वाली बैटरी मार के देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसके कोरोना तो नहीं है, तो एक फिल्टर और लगाना पड़ेगा। खाली 100 डे की डीएमए से ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, हम एक फिल्टर और भी लगाएंगे हमारी ऑटोमेटेड सीट में। तो हम डीएमए कौन सी यूज करेंगे, इसमें 100 डे की डीएमए यूज करेंगे क्योंकि वो 30 दिन की डीएमए 50 दिन की डीएमए से ऊपर होगी। यानी ये मानेंगे हम शेयर की जो ये शेयर जो है 100 दिन 100 जो उसके ट्रेडिंग डेज है, एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं लगभग, 4 शनिवार आ जाते हैं, 4 रविवार आ जाते हैं, 8 छुट्टियां तो शनिवार रविवार की हो जाती है, 2 छुट्टियां और कोई दीपावली ईद वगैरह की हो जाती है, तो लगभग जो है एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। यानी एक हफ्ते में आप देख लो भले ही सोमवार से शुक्रवार तक 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 4 वीक का एक महीना माने तो 20 ट्रेडिंग डेज का एक मंथ होता है। तो 100 दिन की डीएमए का मतलब उसकी 5 महीने की जो मूविंग एवरेज है, 5 महीने के प्राइस का औसत है, उससे शेयर यदि ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो हम शेयर को लेंगे, उससे नीचे रहेगा तब तक हम शेयर को नहीं लेंगे। यानी ये मानेंगे या तो ये शेयर उस रूम से बाहर है जो मैंने बताया था कि छत पे जाके शेयर नीचे कूद जाता है, रूम के बाहर आ जाता है, हम उस रूम के जो गेट पे बैठे हैं, रूम के गेट ये है, हम उस रूम के दरवाजे पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ जो फर्जी जा रहा है ऊपर ये 2% ये बटा फिर से टूट गया, फिर से डीएमए के नीचे आ गया, यदि हम यहाँ ले लेते तो हम तो इसके अंदर ट्रैप हो जाते। तो इसको भी बचाने के लिए मैंने एक ये इस पे बैटरी मारने वाला सिस्टम रखा है। तो ये यहां हम इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ ये बड़ा 3% ऊपर गया तो यहाँ हमारी बैटरी फिर पकड़ देगी इसको, लेकिन यहाँ हमारी बैटरी कहेगी कि बिल्कुल साहब ये सेफ है इसको ले लो, यहाँ हमने लिया तो ये 10% तो यही जाके पार हो गया, हमें मुनाफा देके निकल गया, हमें सिर्फ 10% ही कमाना है, उसके बाद और ऊपर वो 30% बढ़ा भले 40% बढ़ा 50% बढ़ा। तो इस तरह का जो ब्रेकआउट है वो हमें साल में 1 या 2 बार ही मिलेगा। और अब ये भी चांस हो सकते हैं कितनी होशियारी बरतें, कितनी बैटरी मार लें, कितने टेस्ट करा लें, उसके बाद भी वो व्यक्ति बीमार निकल सकता है, वो शेयर खराब निकल सकता है, उसके बाद भी हमारे से हो सकता है हमारा स्कैंडल भी गलत स्टॉक पकड़ा दे हमें, तो उसमें क्या करना है वो भी मैं वीडियो के आखिरी भाग में बताऊंगा। तो आपको बस पूरा वीडियो इसके अंदर देखना है। तो पहला कंसेप्ट आपके समझ में आ गया कि एक तो हम इसमें क्या लेंगे, 100 डीएमए का प्रयोग हम हमारी इस ऑटोमेटेड सीट में करेंगे, एक तो हम इसमें 100 डीएमए का प्रयोग करेंगे। तो हमें इस स्कैनर के अंदर, इस गूगल फाइनेंस की सीट के अंदर हमें सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है, एक तो उसका सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस, ये भी फार्मूला डलेगा गूगल फाइनेंस की जो ऑटोमेटेड सीट बनेगी ऑटोमेटिक निकालेगा आपके शेयर का, निफ्टी 200 जो इंडेक्स है उसके सभी शेयरों के में एक साथ करंट मार्केट प्राइस वो सीट निकाल देगी, जितने भी ETF का वॉल्यूम 5,000 से ज्यादा है उन सबका जो करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक सीट बताएगी आपको, निफ्टी 50 के सभी शेयर का बताएगी, बैंक निफ्टी के सभी शेयर का बताएगी, निफ्टी नेक्स्ट 50 के सभी शेयर का बताएगी, निफ्टी मिड कैप 50 के सभी शेयर का बताएगी, सभी डाल दिए मैंने उसके अंदर। वैसे एक बात और याद रख लो आप लोग कि जो निफ्टी 200 इंडेक्स है उसके अंदर निफ्टी 50 के सभी शेयर आ गए, उसके अंदर बैंक निफ्टी के सभी शेयर आ गए, उसके अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 के सभी शेयर आ गए, उसके अंदर निफ्टी मिड कैप 50 के सभी शेयर आ गए, निफ्टी 200 में जो है इंडिया की जो लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली 86% कंपनियां है, 86% जो मार्केट कैप है वो निफ्टी 200 इंडेक्स के अंदर आ जाता है। तो आप खाली निफ्टी 200 इंडेक्स में भी वो गूगल सीट खोल के देख लेंगे तो उसमें यदि कोई निफ्टी 50 का शेयर भी इस विधि में ब्रेकआउट हुआ होगा तो ऑटोमेटिक आएगा उसी के अंदर, बैंक निफ्टी का भी कोई हुआ होगा तो ऑटोमेटिक आएगा, फिर भी मैंने अलग अलग भी उस सीट के अंदर दे दिए हैं। तो करंट मार्केट प्राइस की एक तो आपको जरूरत है, एक आपको यस्टरडे क्लोज प्राइस की जरूरत है, पिछले दिन के बंद प्राइस की जरूरत है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया, मान लो करंट मार्केट प्राइस किसी शेयर का 100 रुपए है, पिछले दिन का क्लोज प्राइस उसका 98 रुपए है, तो ये पिछले दिन का क्लोज भी वो सीट अपने आप बताएगी गूगल फाइनेंस से, वो ऑटोमेटिक जो है पिछले दिन का क्लोज पकड़ के बाहर रखेगी सीट के अंदर, और उसके 100 डीएमए की जरूरत है तो वो भी सीट में मैंने फार्मूला दिया है, ऑटोमेटिक 100 डीएमए कैलकुलेट करके बताएगी, मान लो उसके 100 डीएमए 99 है। तो इसके अंदर दो शर्तें होगी, पहली शर्त तो ये है कि पिछले दिन का क्लोज 100 डीएमए से कम होना चाहिए, ये मान लो 100 डीएमए 99 तो शेयर का एक दिन पहले तो शेयर यहाँ होना चाहिए, मान लो 98 पे है, यानी पिछले दिन का क्लोज 100 डीएमए से नीचे होना चाहिए। लेकिन जब आप खरीदना, जब सीट बोलेगी बाय टुडे, ऑटोमेटिक लिखेगी उस पर लिखा आएगा बाय टुडे और डू नॉट बाय टुडे, यदि वो बाय टुडे कहेगी तो वो शेयर जो है 100 डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ पार करना चाहिए, यानी पिछले दिन का जो उसका क्लोज है वो 100 डीएमए से नीचे होना चाहिए, पिछले दिन का क्लोज जो है 100 डीएमए से
नीचे होना चाहिए, लेकिन आज का प्राइस जो है वो 100 डीएमए से ऊपर होना चाहिए, आज का प्राइस 100 डीएमए से ऊपर होना चाहिए। ये उस सीट के अंदर मैंने लॉजिक दिया, फार्मूले सेट किया उसके अंदर, फार्मूले से वो सीट पकड़ेगी कि उसको बाय टूडे लिखेगी या डू नॉट बाय टूडे लिखेगी। तो पहला लॉजिक तो ये है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम इस गैप पे बैठे हैं, नीचे से गिरने वाला शेयर 100 डीएमए से ऊपर जा रहा है तो हम मानेंगे कि ये शेयर बढ़ने वाला है तो हम उसको ले लेंगे। लेकिन अब इसके अंदर दूसरा लॉजिक, ये वो जांच करने वाला स्कैनर, जांच करने वाली जो टॉर्च जो लगाएंगे उसके अंदर, वो क्या है, पिछले 6 महीने का मिनिमम प्राइस चाहिए हमें, पिछले 6 महीने में उस शेयर का मिनिमम प्राइस क्या था वो भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीट में ऑटोमेटिक फार्मूला दिया है, वो खुद पकड़ देगी कि आज के दिन से 180 दिन तक पीछे तक डेट से गिनती है वो। यदि एक्सेल सीट में बनाएंगे तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेडिंग डेज गिनने पड़ेंगे, 6 महीने में ट्रेडिंग डेज तो 120 ही होते हैं, क्योंकि 1 महीने में 20 ही ट्रेडिंग डेज होते हैं, एक्सेल सीट में तो हम 120 ट्रेडिंग डेज का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन गूगल फाइनेंस की सीट डेट से गिनती है कि आज की डेट से 6 महीने पीछे की डेट तक का जो मिनिमम प्राइस रहा है, लगभग 120 ट्रेडिंग डेज ही आएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर फार्मूला लगाएंगे लास्ट 6 मंथ का जो मिनिमम प्राइस है उसके 20% ऊपर, उसमें 1.2 की गुणा कर लोगे, मान लीजिए वो लास्ट 6 मंथ का मिनिमम प्राइस आज का प्राइस 100 रुपए है, पिछले 6 महीने का मिनिमम प्राइस मान लीजिए 70 रुपए है, 70 रुपए है, तो उसके अंदर सीधे 1.2 की गुणा करेंगे तो ये 20% बढ़ के आंकड़ा इसका 84 आ जाएगा, या पैसे आपसे भी निकाल के कर सकते हैं कि 70 का 20% कितना हुआ 14, 17 और 14 जोड़े तो 84, दोनों ही बराबर ही बात है, सीधा 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सीधा 20% बढ़ के यहाँ पर आ जाएगा, तो वो भी हम सीट में लगाएंगे। तो ये हमारा वो स्कैनर है जांच करने का कि कहीं ये ब्रेकआउट फर्जी तो नहीं है, तो उसकी शर्त हमारी क्या है कि आज का जो करंट मार्केट प्राइस है ये इससे ऊपर होना चाहिए, यानी शेयर अपने लो से 20% ऊपर आ गया है कम से कम, यदि शेयर उसके लो के 20% के आसपास ही है तो हम उसको नहीं लेंगे, हम मानेंगे ब्रेकआउट फर्जी है, तो ऊपर से गिरते गिरते आता है कई बार शेयर, तो थोड़े से उछाल में भी वो 100 डीएमए से वो बाहर निकल जाता है, ऊपर से यदि गिरते गिरते आएगा तो पिछले 20 दिन का लो तो यहाँ होगा, लेकिन आज का प्राइस जो है इस लो से ये 20% से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उल्टा इस लो से आज का प्राइस तो नीचे होगा। तो हमने एक ये स्कैनर रखा है, एक ये जांच करने वाला रखा है कि इस शेयर के कोई बीमारी तो नहीं है, वो टॉर्च मार के देखेंगे इसके अंदर चाइना वाली, तो ये चाइना वाली टॉर्च क्या रखी हमने, लास्ट 6 मंथ के मिनिमम का 20% ऊपर, मान लीजिए 84 है तब तो ये हमारा स्कैनर के अंदर पास हो जाएगा, लिखाएगा बाय टूडे, क्योंकि पिछले जो मिनिमम लो था 70 रुपए इसका 20% बढ़ने पर आया 84, इस 84 से भी आज का मार्केट प्राइस ज्यादा है, लेकिन यदि ये मान लो पिछले 6 महीने का लो यदि मान लीजिए 90 होता तो इसका 20% बढ़ाने के बाद क्या आता आपका 108 आता, 108, और ये इस मार्केट प्राइस से बड़ा होता, ये ज्यादा होता, आज का मार्केट प्राइस कम होता, तो हम मानते हैं कि ब्रेकआउट गलत है, ये ब्रेकआउट फर्जी है, और हम इसको हमारी सीट पे बोलती डू नॉट बाय टुडे, भले इस तरह से होता कि शेयर जो है नीचे से उसकी 100 डीएमए क्रॉस के ऊपर जाता, लेकिन हमारी सीट इसको चेक करती कि पिछले 6 महीने के लो के 20% से आए थे वो आया कि नहीं आया, यदि उससे भी वो ज्यादा होना चाहिए, पिछले 6 महीने का जो लो मान लो 90 रुपए है तो इसका 20% ज्यादा क्या 108 रुपए से, 108 से भी ज्यादा आज का मार्केट प्राइस है तो ही वो शेयर हम मानेंगे स्वस्थ है, नहीं तो हमें पता है वो कमरे में घुसने के बाद भी छुड़ा के वापस बाहर भाग जाएगा, इसलिए फिर उसको हम नहीं परचेज करेंगे। तो ये तो हो गया इस वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट, अब अगले पार्ट में मैं आपको पहले गूगल फाइनेंस की वो सीट पे बना के समझा देता हूँ, वो सीट समझा देता हूँ, उस सीट का लिंक भी दे दूंगा नीचे, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सीट जाकर के खोलनी है, खोल के उस सीट को बुकमार्क करके छोड़ लेना है, बुकमार्क करेंगे तो आप सीधे उसको डायरेक्ट खोल सकते हैं, या एक बार खोल भी लेंगे तो आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक वो सीट आ जाएगी, आप अपने गूगल ड्राइव में जाएंगे तो वहां से भी वो सीट ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो पहले आइए आपको प्रैक्टिकली वो गूगल फाइनेंस की, अब वीडियो का प्रैक्टिकल भाग शुरू हो गया है, प्रैक्टिकली गूगल फाइनेंस की वो सीट कैसे बनाई है, मैंने क्या सीट है वो दिखा देता हूँ। तो ये है गूगल फाइनेंस की वो सीट जो मैंने खुद बनाई है काफ़ी मेहनत करके, ये इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा रहा हूँ, आपको उस लिंक से इस सीट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये सीट आपको ऐसी दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टार बटन दिया हुआ है यहाँ जाके इसको आपको बुक मार्क कर लेना है,
बुकमार्क करने के बाद आप जब कभी भी आपका इंटरनेट ब्राउजर खोलेंगे तो यहाँ ये बुकमार्क की भी सीटें आ जाएगी। यहाँ ये आपका ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम मेज कौशिक नाम से आपकी ये सीट आ जाएगी। यहाँ पे जब आप जब भी आप क्लिक करोगे ये सीट आपकी अपने आप खुल जाया करेगी। इसको आपको अलग से ओपन करने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको आपने कहाँ रखा था। आपको इस तरह से खोल करके इसको यहाँ जो स्टार का निशान दिया इससे आपको बुक मार्क करनी पड़ेगी। बुक मार्क एक बार आप कर लेंगे तो आपके ब्राउजर में सीट हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगी। ये देखो मैंने एक तो इस सीट को बुक मार्क कर रखा है और एक ये मेरे एक फॉलोअर ने सीट बनाई थी, नितिन पोटाडे जी, श्री नितिन पोटाडे जी नाम था उनका। उन श्री नितिन पोटाडे जी ने मेरे पिछले वीडियो के आधार पे मैंने एक सुपर ब्रेकआउट वाले स्टॉक बताए थे उनको स्कैन करने का एक बहुत अच्छी सीट बनाई थी। नितिन पोटाडे जी से ही मैं गूगल फाइनेंस पे सीट बनानी सीखा हूँ। इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, उससे मेरी रुचि जागृत हो गई। इन्होंने जब ये सीट बनाई तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी इस तरह की ऑटोमेटेड सीटें बनानी चाहिए। गूगल फाइनेंस पे बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इन्होंने मेरे वीडियो पे दाई डार्स बॉक्स थ्योरी की सीट बना रखी है, ईटीएफ डाटा की बना रखी है, बॉटम आउट हंटिंग वाले मेरे वीडियोस पे आधारित बना रखी है। तो श्री नितिन पोटाडे जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस गूगल फाइनेंस की सीट के प्रति मेरी रुचि जागृत की और उनके चैनल पे भी ऑटोमेटिक सीटें बनाना सिखाया हुआ है। मैं वहाँ से जाके भी काफ़ी सीखा, दूसरों के वीडियो भी मैंने देखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री नितिन पोटाडे जी। तो आप इसको एक बार इस तरह से बुक मार्क कर लेंगे तो बुक मार्क करने के बाद आप देखो बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ तो सारे ईटीएफ के नाम दे रखे हैं मैंने, जो भी आपके 5,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले ईटीएफ है, 5,000 से कम वॉल्यूम वाले छोड़े हैं मैंने, और इसमें गोल्ड ईटीएफ को भी शामिल किया है और इक्विटी पे आधारित ईटीएफ को भी शामिल किया है। बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले डेप्ट ईटीएफ को शामिल नहीं किया। गोल्ड और ईटीएफ इक्विटी वाले सारे ईटीएफ इसके अंदर शामिल हैं। फिर ये करंट मार्केट प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस आपको कहीं से फिट करने की जरूरत नहीं। यहाँ फार्मूला दिया है देखो, ये बराबर गूगल फाइनेंस ए टू प्राइस, यानी इस ए टू में जो भी ईटीएफ का नाम है उसका प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर इसका पिछला क्लोजिंग प्राइस, इसका भी फार्मूला दिया हुआ है। मैंने कोई भी फार्मूला छुपाया नहीं है, कहीं भी हाइड नहीं किया है। आप फार्मूले देख सकते हैं, आप अपनी खुद की सीट भी बना सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप लोग सीखें। मैं कभी भी इस तरह से ये नहीं चाहता कि मैं इन सीटों से इस तरह से आपके मेरे सिस्टम से शेयर निकाल निकाल के आपको मेरे ब्लॉग पे बताऊं और उसके महीने के कोई पैसे लूं, कीमत चार्ज करूं। मैं चाहता था ऐसे लाखों रुपए कमा लेता, पर मुझे मेरे सिस्टम पे विश्वास है। मुझे कमाना है तो मैं शेयर मार्केट से कमा लूंगा। इसे मैं ना तो किसी भी ब्रोकर फर्म से तालमेल करता हूं, किसी ब्रोकर का आपको लिंक नहीं देता और ना ही इस तरह की कोई भी फीस मैं लेता हूं। मैं तो ये चाहता हूं मेरा ध्येय तब पूरा होगा जब आप खुद सीखें इस तरह की सीटें बनाएं खुद। ये मैंने कोई भी फार्मूला हाइड नहीं किया, ये फार्मूला मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा जिसके अंदर पिछले 6 महीने का मिनिमम ऑटोमेटिक निकल के सामने आ जाए। तो ये पिछले 6 महीने का मिनिमम निकालने के लिए इसमें टूडे -180, 180 दिन को माइनस किया, क्योंकि ये तो डेट से गिनेगा, इसको ट्रेडिंग दिन से मतलब नहीं है। ये तो 180 दिन पीछे की जो डेट है उससे लेकर के आज तक की डेट तक जो भी मिनिमम रहा, मिनिमम गूगल फाइनेंस से डाटा वो यहाँ ले लेगा ये, और उसको 1.2 से मैंने मल्टीप्लाई का निशान देके 1.2 कर दिया। तो 1.2 से गुणा होके ही पिछले 6 महीने का मिनिमम प्राइस यहाँ आ जाएगा। ये 100 SMA निकालने का फार्मूला है। यहाँ आप ये जो लिमिट 100 लिखा है इसमें आप 100 को चेंज करके 30 कर दोगे तो 30 दिन की SMA आ जाएगी। इसको चेंज करके 50 कर दोगे तो 50 दिन की SMA आ जाएगी। इसको चेंज करके 200 कर दोगे तो 200 डेज की SMA आ जाएगी। तो ये सब आप सीट मेरी डाउनलोड करने के बाद फार्मूले कॉपी कर सकते हैं। आपको फार्मूले कहीं से ढूंढने की या सीखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी करके आप खुद की भी अलग अलग तरह की सीटें बना सकते हैं। और ये आउटपुट का भी मैंने बड़ी रुचि लेकर के बड़ी मुश्किल से इफ एंड फार्मूला सीखा। इससे पहले मेरा एक्सेल में इस तरह के फार्मूलों में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने जो है श्री नितिन पोटाडे जी के वीडियो देख देख के जो मेरी रुचि क्रिएट हुई, उसके बाद मैंने दूसरों के वीडियो देखे, उनसे मैंने ये सीखा कि इफ एंड फार्मूले से ट्रू और फॉल्स यदि कोई चीज़ होती है तो ये ऑटोमेटिक आउटपुट में आ जाती है। तो यहाँ मैंने इसको बता दिया कि ये तीनों शर्तें पूरी हो, तीन शर्त बताई इसको, तीनों शर्तें पूरी हो तब तो लिखना है बाय टुडे, और ये पूरी नहीं हो तो लिखना है डू नॉट बाय टुडे। शर्तें क्या क्या है? बी टू बड़ा होना चाहिए ई टू से, यानी ये बी टू, ये गोल्ड बीज का जो बी टू है, ये जो करंट मार्केट प्राइस है, ये 100 दिन की SMA से ज्यादा होना चाहिए।
यहाँ देखो ये अधिक ही है, देखो 100 दिन के एसएमए से ऊपर आया है। नेक्स्ट इसकी गोल्ड बीज के अंदर हमने क्या क्या इसके अंदर रखी शर्त, B2 बड़ा होना चाहिए E2 से और B2 बड़ा होना चाहिए D2 से भी, यानी ये जो पिछले 6 महीने का जो मिनिमम है इसके 20% बढ़ा करके जो फिगर आ रही है ये, उससे ये करंट मार्केट भाई बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ ये फेल हो गया, यहाँ इससे बड़ा नहीं था इसलिए इसने इस यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिया आपको, बाय टुडे वाला नहीं लिखा, नहीं तो ये लिखता बाय टुडे। और तीन शर्तें रखी है, तीसरी शर्त क्या है, C2 बड़ा होना चाहिए E2 से, यानी ये C2 पिछले दिन की जो क्लोजिंग है ये C2 क्या है छोटी होनी चाहिए E2 से, पिछले दिन की क्लोजिंग इस 100 SMA से कम होनी चाहिए, तो यहाँ यहाँ भी शर्त पूरी नहीं हो रही थी, पिछले दिन की क्लोजिंग भी 100 SMA से ऊपर ही थी इसकी, 44.2 तो 100 SMA थी, तो पिछले दिन की क्लोजिंग इसकी क्या थी 44.3 थी, तो तीन शर्तें पूरी होगी यदि, यानी क्लोज प्राइस जो है खुद जो है 100 SMA से ऊपर होगा और पिछले 6 महीने का मिनिमम प्राइस का 20% बढ़ाने के बाद जो आती है वो फिगर भी जो उस फिगर से भी क्लोज प्राइस बड़ा होगा और पिछले दिन का प्राइस जो है 100 SMA से नीचे होगा, तभी तो पता चलेगा कि नीचे से ऊपर आया 100 SMA से SMA के, तो लिखना है बाय टुडे, नहीं तो यहां लिखना है डू नॉट बाय टुडे। तो इसने सब में क्या किया, डू नॉट बाय टुडे ETF में तो आप देखोगे सभी के अंदर डू नॉट बाय टुडे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, निफ्टी 200 एक अलग सीट के रूप में दे दिया, इसी सीट में आप देखो नीचे ETF लिखा मिलेगा, इसके बाद आप यहां क्लिक करोगे तो निफ्टी 200 की सीट खुल जाएगी। निफ्टी 200 में मैंने निफ्टी 200 इंडेक्स में आने वाले सभी शेयर लिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया निफ्टी 200 इंडेक्स में निफ्टी 50 के सभी स्टॉक शामिल है, इसको आपको अलग से भले ही करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने उनके लिए निफ्टी 50 की सीट अलग से रखी है जो खाली निफ्टी 50 के स्टॉक में ही काम करना चाहते हैं, कोई कह दे कि नहीं साहब मैं तो निफ्टी 200 में नहीं करूंगा, मैं तो खाली निफ्टी 50 के स्टॉक में ही करूंगा, तो ये अलग से सीट रखी है, पर इसमें कॉमन स्टॉक आ जाएंगे, निफ्टी 200 में निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी नेक्स्ट 50 के और निफ्टी मिड कैप 50 के सभी शेयर, ये बाद वाली जो सीटें हैं इनके सभी शेयर इस निफ्टी 200 में ही शामिल है। मार्केट की लगभग 86% जो मार्केट कैप है निफ्टी 200 के शेयरों में आ जाती है, टॉप 200 कंपनियां हैं इसके अंदर अलग अलग सेक्टर की, यानी निफ्टी 200 के शेयरों में आप निवेश करते हैं तो मार्केट की 86% मार्केट कैप में आप निवेश कर देते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50 सब आ गए इसके अंदर। तो इसके अंदर भी आप देखो फार्मूले वो के वो हैं, करंट मार्केट प्राइस है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, पिछले 6 महीने के मिनिमम से 20% ऊपर बढ़ा के लिखा गया है फार्मूले में, और 100 दिन की इसकी सिंपल मूविंग एवरेज को लिखा गया है, आउटपुट के अंदर फार्मूला दिया गया है कि इसकी क्लोज प्राइस जो है 100 SMA से तो ऊपर हो लेकिन पिछले दिन की क्लोज प्राइस 100 SMA से नीचे हो, यानी ये नीचे से 100 SMA से ऊपर आया हो जस्ट, और क्लोज प्राइस जो है पिछले 6 महीने के मिनिमम प्राइस का 20% बढ़ाने के बाद जो फिगर आती है उससे भी बड़ा होना चाहिए, तब यदि कोई सिस्टम सही बैठता है तो आपको यहाँ आउटपुट में बाय टुडे लिखना है। मैंने इसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए आप ये आएगा आपको नीचे देखेंगे आप, यहाँ ये बाय टुडे में जो ये बोल्ड अक्षर दिख रहे हैं आपको और ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये अपने आप आया है, जब भी कभी किसी कॉलम में बाय टुडे लिखा जाएगा तो यहाँ ग्रीन कलर आ जाएगा, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी मैंने सीखी है, इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी है कि कहीं भी यदि आउटपुट में बाय टुडे आता है तो ये हरा कलर दे देगा उसको और बोल्ड अक्षर कर देगा। तो आप देखेंगे बंधन बैंक का जो प्राइस देखिए आप, करंट मार्केट प्राइस बंधन बैंक का क्या है, 312 रुपये 65 पैसे है, और इसकी 100 दिन की SMA क्या थी, 307 रुपये 10 पैसे थी, एक दिन पहले इसका क्लोज प्राइस क्या था, इस 100 दिन की SMA से नीचे था, 307 रुपये 10 पैसे से बंधन बैंक का पिछला जो क्लोजिंग था वो बंधन बैंक का इससे नीचे था, 100 दिन की SMA से 303 रुपये 75 पैसे था, लेकिन आज जो SMA है वो आज जो इसका क्लोज प्राइस है वो 100 दिन की SMA से ऊपर है, तो एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है इसकी कि पिछले 6 महीने में जो बंधन बैंक का मिनिमम प्राइस है उसका यदि हम 20% बढ़ाते हैं तो 234 रुपये 42 पैसे आते हैं, तो उससे भी ये आज का क्लोज प्राइस ऊपर ही है, यानी हम मानते हैं कि ये ब्रेकआउट सही है और हमारी जो कंडीशंस को ये फुलफिल करता है,
तब इसमें ये आउटपुट में ऑटोमेटिक बाय टुडे आया है। तो आप क्या करेंगे, मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट खुलने से पहले सीट को खोल के देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आज मुझे कौन सा शेयर खरीदना है। एक तो बंधन बैंक में इसने लिखा है बाय टुडे, और दूसरा आप देखेंगे सब में बाकी डू नॉट बाय आ रहा है, दूसरा ये कोटक महिंद्रा बैंक में आया है बाय टुडे। यहाँ देखिए बड़ा नजदीक का मामला है, इसकी जो है 100 दिन की ऐसे में थी 1335.40 रुपये 1335.4, और आज का क्लोज प्राइस इससे जस्ट ऊपर है 1336.45। पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो इस 100 एसएमए से कम थी, और ये पिछले जो 6 महीने के मिनिमम से जो 20% बढ़ाने के बाद जो फिगर आई वो 1336.38 ही आई, यानी बहुत ही क्लोज का मामला है, लेकिन ऊपर तो ऊपर ही है। पिछले 6 महीने का जो मिनिमम है उससे 20% बढ़ाने के बाद जो फिगर आ रही है, जस्ट 20% ऊपर समझो आप, पिछले 6 महीने के मिनिमम से कोटक बैंक 20% ऊपर आ गया आप ये मानो, और उसके 100 एसएमए से ऊपर आ गया है। तो हम मान लें कि ये बॉटम आउट शेयर हो गया, और अभी इसको यदि हम खरीदेंगे तो 10% के लगभग हमें इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। वीडियो के आखिरी भाग में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, थोड़ा पेशेंस रखें। कमेंट में पर्सन आप पूछेंगे कि स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, यदि अभी भी फर्जी हो गया तो, अभी भी एक गलत ब्रेकआउट हो गया तो, अभी भी हम फंस गए तो कोटक बैंक में, तो बताएंगे आगे क्या होगा। तो ये जो वैसे तो आप निफ्टी 200 की शीट में देखेंगे तो लगभग सभी शेयरों का काम पड़ जाएगा, आप ETF का देख लें, एक शीट तो ये शुरू में ETF की है, एक निफ्टी 200 की देख लें, प्रतिदिन सुबह आप खोल के देख लें, उस दिन आपको कौन सा शेयर खरीदना है सीट आपको अपने आप बताएगी। लेकिन कोई यदि निफ्टी 50 के शेयरों में ही काम करता है तो निफ्टी 50 में देखो आप, इसमें कोटक बैंक जो है निफ्टी 50 के शेयरों के अंदर शामिल था, तो यहाँ आपको कोटक बैंक में फिर से बता रहा है। कोई कहे मैं तो बैंक निफ्टी में काम करता हूं, तो बैंक निफ्टी में बंधन बैंक भी था और कोटक बैंक भी था, दोनों में ये बाय टुडे बता रहा है। इससे देखो हमें एक बात और पता चलती है कि बैंक निफ्टी के भी कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब एक इंडेक्स के दो शेयर इस तरह से बता रहा है तो उस इंडेक्स के अंदर भी बढ़ने की संभावना है। बैंक निफ्टी में शेयर कितने का, काफी थोड़े से शेयर हैं, तो देखिए आगे आपको इससे भी एक्सपीरियंस आएगा, पता चलेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आप देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर मदरसन सुमी का जो स्टॉक था, मदरसन सुमी, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का भाग है, उसके अंदर भी ये सारी शर्तें पूरी हो रही है। यहां भी ये एक दिन पहले तो उसकी 100 डे एसएमए के नीचे था मदरसन सुमी, और आज 100 एसएमए के ऊपर है, और बॉटम आउट होने के बाद ही इस तरह से ऊपर आया है, यानी ये पिछले 6 महीने के मिनिमम प्राइस के 20% बढ़ाने के बाद जो फिगर आई उससे ऊपर ये चल रहा है, बहुत अच्छा है। ये देखो इस तरह से आपको यहाँ भी मिल जाएगा, बंधन बैंक में ही मिल गया, और मदरसन सुमी जो है यहाँ भी आपको ये इसके अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी दिखाई देगा, और निफ्टी मिड कैप के अंदर भी आपको दिखाई देगा। और मदरसन सुमी इसका मतलब निफ्टी 200 का भाग नहीं है, मैं ये मान रहा था कि निफ्टी 200 में निफ्टी नेक्स्ट 50 की सभी कंपनियां आ गई, लेकिन शायद कोई कोई कंपनियां नहीं आई है, नहीं तो मदरसन सुमी जो है यहाँ भी हमें दिखाई देना चाहिए था, यहाँ हमें ये मदरसन सुमी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये देखो तो ध्यान से देखता हूँ, क्या पता मैंने जल्दी करके बढ़ा दिया हो इसको। हाँ ये देखो भाग है, लास्ट में आ रहा है मदरसन सुमी के अंदर, यहाँ निफ्टी नेक्स्ट ये निफ्टी 200 का भाग ही है, ये मदरसन सुमी जो है इसके अंदर यहाँ ये आ रहा है बाय टुडे, तो यहाँ ये कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसका मतलब यहाँ इसको खरीदने का यहाँ भी संकेत दे रहा है। तो तीन शेयर हमें आज यदि हम इस सीट को खोल के देखते हैं तो हमें तीन शेयरों को खरीदने की रिकमेंडेशन सीट से ऑटोमेटिक मिलती है, कि एक तो मदरसन सुमी खरीद लें, एक हम जो है बंधन बैंक खरीद लें, और एक हम कोटक महिंद्रा बैंक खरीद लें, तीन में ऑटोमेटिक ये बाय टुडे जो है लिखा हुआ आता। तो इस सीट का मैं लिंक आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिंपली इसको डाउनलोड करना है, और यहाँ पे जाकर के आपको ये जो स्टार का निशान दिखता है बुक मार्क दिस टैब, आपको इसको बुक मार्क कर लेना है। बुक मार्क करने के बाद ये आपके इस तरह से ऊपर आ जाएगा, मैंने दो बार बुक मार्क कर दिया, तो दो बार आ गया, जब भी आप ब्राउजर खोलेंगे आपको यहाँ ऊपर ही दिखाई देगी, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, और सीट आप ऑटोमेटिक यहाँ से ऊपर खोल सकते हैं। तो आपने गूगल फाइनेंस की ये सीट देखी, मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। अब इसको इंडोसिंड बैंक पे प्रैक्टिकल में जाके चेक करते हैं। मेरे फॉलोअर्स बहुत होशियार हैं, उन्होंने पॉलिंग में इंडोसिंड बैंक को चूज किया, उनको पता था कि ये शेयर 1800 से गिर के
300 रुपये आए, तो इसमें कितना ही अच्छा सिस्टम हो, इसके अंदर तो गुरु जी जो है फेल हो ही जाएंगे, लेकिन मेरा सिस्टम इसके अंदर फेल नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 3 महीने में ही इसके अंदर भी 20% मुनाफा इस सिस्टम ने कमा के दिखा दिया है। फिर भी किसी को शंका होगी साहब अभी भी यदि फेल हो जाए तो हमको शेयर लें, तो कुछ लोग कमेंट करेंगे सर मैंने आपके सिस्टम को फला फला शेयर पे अप्लाई किया उसके अंदर तो ये फेल हो गया, तो ऐसी स्थिति होगी तो क्या स्टॉप लॉस है उसके अंदर, वो भी आपको बताऊंगा। कितनी पूंजी से आपको निवेश प्रारंभ करना है, किसमें क्या करना है, वो इस शीट के बाद वाले भाग में आएगा। तो बस आपको वीडियो को धैर्य से देखने की आवश्यकता है, पहले वो इंडसइंड बैंक वाली शीट देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं NSE की वेबसाइट पे, यहाँ हम सर्च बार में इंडसइंड बैंक जब टाइप करेंगे, शुरुआती कुछ अक्षर लिखेंगे तो ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का आ जाएगा अपने आप। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इंडसइंड बैंक का पूरा पेज खुल जाएगा। ये मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं एक बार सिखा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि फॉलोअर बाद में कमेंट करके पूछते हैं सर हिस्टोरिकल डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं बताएं। तो हिस्टोरिकल डाटा पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ नीचे लिंक पे, हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करने के बाद हमें 2 साल के हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करने हैं। तो हम जो है 2018 पे क्लिक करेंगे, 2 साल से अधिक के एक साथ आपको डाउनलोड करने नहीं देगा, आपको इससे अधिक के करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग सीट बना के डाउनलोड करके उनको सीटों को मर्ज करना पड़ेगा। उसमें हम अक्टूबर चूज करते हैं और ये 17 अक्टूबर की डेट आज हुई है, तो 17 अक्टूबर 2018 से 17 अक्टूबर 2020 तक के डाटा डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। और यहाँ जब हम नीचे डाउनलोड सीट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल सीट आपकी डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर 2 साल के डाटा आपके डाउनलोड हो जाएंगे। इसको देखिए खोल लीजिए आप, और इसके डाउनलोड होने के बाद भी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इसमें 2020 के डाटा ऊपर आएंगे 18 के नीचे आएंगे, तो इनको आपको डेट वाइज करना पड़ेगा पहले। यानी हम चाहते हैं कि नई डेट नीचे आए पुरानी डेट ऊपर आए, तो आप इसको सीट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने इस सीट को, ऊपर की डेट छोड़ दी है, डेट को सिलेक्ट नहीं किया है, बाकी सारी सीट में सभी कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ जो लिखा होता है शॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें जाके शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आप अक्टूबर 2 साल के पहले के डाटा ऊपर आ गए, बाकी डाटा नीचे चले गए। और हम यहाँ पर ये फालतू की जो चीज़ें हैं VWAP 52 वीक हाई 52 वीक लो वॉल्यूम वगैरह फालतू की, इसलिए कि इस वीडियो में काम की नहीं है, बाकी तो काम की है हमारे लिए फिलहाल, इस वीडियो में ये भी काम की नहीं है इसलिए इनको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ ये सीरीज इक्विटी लिखी हुई है इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा जो शीट क्या है देखने में छोटी हो जाएगी। अब हम इस शीट में क्लोज के बाद एक तो 100 DMA का कॉलम इंसर्ट कर देंगे, एक ये डिफेंस का कॉलम इंसर्ट कर देंगे, एक 6 मंथ मिनिमम प्राइस इनटू 1.20 का कॉलम इंसर्ट कर देंगे, एक टारगेट का कॉलम इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि हम एक तो इसके 100 DMA चाहते हैं। देखो यहाँ 100 DMA का कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रोज के बाद, जब 100 रोज हो जाएगी उसके बाद आपको फार्मूला यहाँ सीधा सा फीड करना है। जिनको एक्सेल आता है वो तो समझ रहे होंगे, बाकी जिनको नहीं आता वो क्या लिखेंगे, यहाँ फार्मूला बार में देखिए आप, एवरेज G2 से G101, ये 2 से क्यों लिया आपने, 1 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 में तो देखो कॉलम की एडिंग सही है, कॉलम की एडिंग पहले खाने में है, डाटा जो हमारे हैं वो दूसरे खाने से ही शुरू हुए हैं, चूंकि डाटा दूसरे खाने से शुरू हुए तो इसलिए हमने फार्मूला जो है एवरेज कहाँ से निकाली, हमने दूसरे खाने से निकाली है, एवरेज G2 यानी ये जी जो हमारा कॉलम है इस जी कॉलम की एवरेज निकलेगी, दूसरे खाने से डाटा चालू है, और चूंकि हमने 2 से शुरू किया इसलिए हमने फिर 100 पे ख़त्म नहीं करके 101 पे ख़त्म किया, ताकि पूरे इन 100 जो डाटा है उन 100 डाटा की एवरेज इसमें निकल के आ गई, तो वो 100 दिन की मूविंग एवरेज होगी 100 DMA। ये आपको गूगल फाइनेंस सीट पे तो ऑटोमेटिक गूगल फाइनेंस कैलकुलेट करके देगा, ये तो आपको समझाने के लिए एक्सेल सीट पे हमने इसको चेक करने के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, आपको गूगल फाइनेंस में तो मैं तैयार सीट दूंगा बनी बनाई, तो उसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपके 100 DMA ऑटोमेटिक गूगल के द्वारा गूगल फाइनेंस के द्वारा कैलकुलेट की जाएगी। अब हमें क्या देखना है, इसका डिफरेंस देखना है कि ये जो क्लोज प्राइस है ये 100 DMA से ऊपर बंद है कि नीचे बंद है, तो ये देखिए ऊपर बंद है, डिफरेंस में सीधा सामने फार्मूला क्या दिया है, माइनस में दिया है, क्लोज प्राइस में से 100 DMA को घटा दिया, तो ये इसके
100 डीएमए के ऊपर बंद है, और हमारा सिस्टम क्या रहेगा कि जब ये नीचे से ऊपर जाए, यानी 100 डीएमए से नीचे बंद होता होता ये एकदम से उसके ऊपर बंद हो, यानी ब्रेकआउट दे 100 डीएमए के ऊपर, तब हमें शेयर को खरीदना है। और इसके अंदर फास्ट ब्रेकआउट में ये चेक करने के लिए हमने क्या लगाया, एक फिल्टर लगाया है कि पिछले 6 महीने का जो मिनिमम प्राइस होगा, तो 1 महीने में देखिए 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, लगभग 20 ट्रेडिंग डे 1 महीने में होते हैं, 4 शनिवार आ जाते हैं, 4 रविवार आ जाते हैं, 8 दिन की छुट्टी हो जाती है, लगभग 22 बचे तो 2 के करीब अन्य छुट्टियां भी आ सकती है, तो 20 के करीब हम मान लेते हैं ट्रेडिंग डे होते हैं। तो ये 120 के बाद ये फार्मूला हम लगा सकेंगे, 120 डाटा के बाद। देखो 100 डीएमए के लिए तो हमें 100 डाटा के बाद फार्मूला लगाना पड़ा, 101 में से चालू करना पड़ा हमें, और हमें क्या चाहिए, 120 ट्रेडिंग डेज का मिनिमम प्राइस चाहिए, तो वो 6 महीने के लगभग मिनिमम प्राइस आ जाएगा यदि आप 120 ट्रेडिंग डेज का लेंगे। महीने भले ही 6 हो, उनमें दिन तो 180 होते हैं, पर ट्रेडिंग डेज उसके अंदर 120 ही होते हैं, लगभग 20 ट्रेडिंग डेज करीबन 1 महीने में होते हैं, 5 हफ्ते का 1 ट्रेडिंग डे होता है, तो 4 वीक के अंदर 20 ट्रेडिंग डे हो गए। तो ये सीधा सा फार्मूला है, इसमें मिनिमम इसमें बराबर मिनिमम G2 से G121 आप दोबारा बताना है, काम नहीं, आप समझ रहे हैं कि 2 में से ही डाटा शुरू हुए थे, और जब चूंकि डाटा 2 से शुरू हुए थे 1 में ये हेडिंग था, तो इसलिए हमने 121 तक की ये मिनिमम आंकड़ा लिया, और इसको सीधा 1.2 से गुणा करेंगे तो एक जो क्लोज प्राइस में पिछले ये 120 दिनों में जो मिनिमम क्लोज प्राइस रहेगा उसका 20% बढ़ा के सीधा ही आ जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, इस सेल में यदि हम 100 लिखते हैं और यहाँ बराबर लिख करके इसको 1.2 से गुणा कर देते हैं इंटू 1.2, तो सीधे ही 120 आ जाता है, यानी 20% बढ़ा के लाने का सीधा सा मैथ का फार्मूला है। बचपन में आपको जब मैथ में आप पढ़ते थे तो आपने पढ़ा होगा, 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ही जो है 20% बढ़ के ये आ जाएगा। तो एक्सेल शीट भी मैं आपको इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। तो ये फिल्टर किस लिए है, ये देखने के लिए कि फास्ट ब्रेकआउट तो नहीं है, ब्रेकआउट होते समय हमारा जो क्लोज प्राइस है वो इससे ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हमने यहीं जाके ले लिया कि देखो 100 डीएमए से ऊपर है, तो अभी तो पहले से ऊपर है, नीचे जाके ऊपर आए तब मानेंगे हम। तो ये डिफरेंस इसीलिए, देखो डिफरेंस जब माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब 100 डीएमए से प्राइस जो है नीचे चला गया। देखिए आप थोड़ा नीचे गए तो यहाँ ये प्राइस इसका 100 डीएमए से नीचे चला गया है, क्लोज प्राइस जो है 100 डीएमए तो थी 1594.27 और ये क्लोज प्राइस जो है इससे नीचे बंद हो गया शेयर 100 डीएमए से। अभी नीचे बंद होते ही नहीं खरीदना इसको, अब नीचे से दोबारा ऊपर बंद होगा तब खरीदना है, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे फार्मूला समझाया था अभी वीडियो के पीछे भाग में, आप बोर्ड पे आपने देखा होगा फार्मूला। अब देखो दोबारा ये गिरता गया 100 डीएमए से नीचे बंद होता गया, यहां ये 100 डीएमए से ऊपर बंद हुआ, यहां ये स्टॉक 100 डीएमए से ऊपर बंद हुआ, यानी यहां इसका क्लोज प्राइस ये देखिए 1598.75 है, 100 डीएमए 1575 थी, एक दिन पहले ये 1518 पे क्लोज हुआ था, यानी 100 डीएमए से नीचे था, लेकिन आज जब यहां क्लोज हुआ है तो ये 100 डीएमए से ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन यहां ये फिल्टर आड़े आ गया, ये फिल्टर क्या कह रहा है आपको, पिछले 6 दिन का इसने मिनिमम निकाला, उसको 1.20 से मल्टीप्लाई किया, यानी पिछले 6 महीने का, 6 दिन का नहीं, पिछले 6 महीने का जो मिनिमम प्राइस है उसका यदि 20% बढ़ाते हैं तो ये इतना आना चाहिए था कम से कम, यानी ये जो क्लोज प्राइस है ये पिछले 6 महीने के मिनिमम प्राइस से अभी 20% भी रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि 20% रिकवर होता तो इससे ये ऊपर होता, 1629.84 से ये क्लोज प्राइस यदि ऊपर होता तो हम मानते कि ब्रेकआउट सच्चा है, नहीं तो ये झूठा ब्रेकआउट है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारी जो गूगल फाइनेंस की सीट है, वो यहाँ क्या बोलेगी, डू नॉट बाय बोलेगी, क्योंकि ये फास्ट ब्रेकआउट है। तो अभी एक बार ये 200 डीएमए से ऊपर आ गया तो फिर ऊपर चलता रहेगा, फिर देखो ये फॉल्स ही था वापस, 5-6-10 दिन में पता चल गया कि वापस ये 200 डीएमए से नीचे चला गया, ये ब्रेकआउट रियल में फॉल्स ही था। लेकिन यहाँ फिर ये जो नीचे से ऊपर आ गया, फिर एक बार उछाल आया, लेकिन यहाँ फिर वही बात हो गई, पिछले 6 महीने का जो मिनिमम प्राइस था उसका 20% बढ़ाने पर ये फिगर आया था,
1629.84, इससे ये क्लोज प्राइस अभी भी जो है नीचे है, तो ये ब्रेकआउट भी फास्ट ब्रेकआउट है, इसको भी नहीं मानना है। और आपको दिख ही रहा है कि अगले ही दिन ये देखो बीच में 200 डीएमए से नीचे था शेयर, एक सिर्फ एक दिन के लिए 100 डीएमए से ऊपर आया, 200 डीएमए नहीं 100 डीएमए, ये 100 डीएमए से नीचे था शेयर, एक दिन के लिए 100 डीएमए से ऊपर आया, दूसरे दिन ही वापस इसमें नीचे चला गया। अब के ये गिरावट ज्यादा थी और ये लगातार जो है इसके 100 डीएमए से ये नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और वापस देखिए कहाँ ये आगे आता है ऊपर वापस 100 डीएमए से, मैं नीचे सीट पे नीचे चलते जाएंगे, यहां जाके फिर ये 23 सितंबर 2019 की बात है, तब ये इसके 100 डीएमए तो ये थी 1450 रुपए, और एक दिन पहले तो ये 1419 पे बंद हुआ था लेकिन 100 डीएमए से ऊपर बंद हो गया, तो एक कंडीशन तो इसने पूरी कर दी कि ये 1511 रुपए 55 पैसे पे बंद हो गया। लेकिन फिर दूसरी कंडीशन जो ये फिल्टर है, ये बड़ा काम का फिल्टर है, ये हमें बचा लेता है हर बार, इसकी शर्त ये है कि पिछले 6 महीने के पिछले 120 ट्रेडिंग डेज के जो मिनिमम प्राइस है उसका 20% से ऊपर ये आज का क्लोज प्राइस होना चाहिए, तो उसका मिनिमम प्राइस का जो 20% बढ़ा के हम लिखते हैं यहाँ पे तो 1538.70 रुपये आता है पिछले 120 जो ट्रेडिंग डेज है, पिछले जो 6 महीने हैं उनका ये मिनिमम प्राइस है, और उस मिनिमम प्राइस को 20% बढ़ा के हमने यहाँ लिखा है, तो ये क्लोज प्राइस देखिए फिर इससे जो नीचे ही रह गया है, तो इसलिए फिर से हमारा सिस्टम क्या यही लिखेगा इसमें डू नॉट बाय लिखेगा, क्योंकि ये फास्ट ब्रेकआउट ऐसे नहीं लिखेगा, ये फास्ट ब्रेकआउट है, हमारा सिस्टम सीधा सा लिखेगा डू नॉट बाय, क्योंकि वो चेक कर लेगा कि ये क्लोज प्राइस जो है 6 मंथ के मिनिमम प्राइस के 20% के ज़्यादा से बड़ा नहीं है, इस वजह से इसको डू नॉट बाय लिखना है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, और ये ब्रेकआउट फास्ट ही था, देखिए वापस शेयर जो है 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आगे बढ़ा नहीं है, और बढ़ने की जगह ये जो है सीधा 100 डीएमए से नीचे चला गया, 1511 से टूट के 5 दिन के अंदर ही 1383 रुपये पे आ गया, तो सिस्टम बड़ा सही चल रहा है, कहीं इसने गलत हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और फिर आप देखेंगे नीचे वापस ये माइनस में चला जा रहा है, 8 नवंबर को फिर ये इसके 100 डीएमए से ऊपर जाके बंद हुआ, लेकिन इस बार भी ये जो क्लोज प्राइस है ये इस 6 मंथ के मिनिमम प्राइस के 20% के ज़्यादा से कम ही है, इसलिए यहाँ भी ये फास्ट ब्रेकआउट है। मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा अब आपको, दूसरे फॉलोअर बोर हो जाएंगे, जो समझने वाले हैं वो कह देंगे कि साहब बहुत आप बोर कर रहे हो। यहाँ जाके देखिए फिर ये नीचे गया 100 डीएमए के फिर ऊपर आ गया, तो ये भी इस बार भी फास्ट ब्रेकआउट है, क्योंकि ये क्लोज प्राइस इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा ही है, ये इससे बड़ा होना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी ये फास्ट ब्रेकआउट ही है। और फिर वापस देखेंगे डिफरेंस कब जाएगा ये, हालांकि शेयर बढ़ा है इसमें, यहाँ देखो कि आपके 1500 जो 10 रुपये तक बढ़ा, कुछ फॉलोअर कहेंगे कि फिर फास्ट ब्रेकआउट कैसे था सर, शेयर तो बढ़ा था लेकिन हमें जो 10% के करीब मुनाफा चाहिए था वो नहीं मिला कुछ ही दिनों में। इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि फॉलोअर के फंसने के चांस रहते हैं, ये कन्फर्म ब्रेकआउट नहीं होते हैं, ये आपको दिख ही रहा है कि इसके बाद शेयर कितनी बुरी तरह से जो गिर गया था, इसलिए वापस यहाँ से 100 डीएमए से नीचे आ गया और ये एकदम से 1399 आ गया, तो कोई 10% मुनाफे का इंतजार करता रहता उसको 10% मुनाफा मिलता नहीं और वो ऑलरेडी रख लेता तो वो काफ़ी मारा जाता बेचारा, 1/6 हो जाता उसका शेयर का प्राइस गिरते गिरते। फिर ये देखिए वापस ये इसकी 100 डीएमए से नीचे चला गया शेयर, और अब ये दोबारा जो ये नीचे जा रहा है, तो देखिए पिछले 6 महीने का जो मिनिमम प्राइस है उसका 20% बढ़ा के भी कम होता जा रहा है। अभी आगे देखिए कहाँ ऊपर आया, खूब टूटा खूब टूटा, तो खूब खूब बड़ी गिरावट में तो आपको बचाता ही रहेगा। अभी डिफरेंस कितना है देखिए, 544 पॉइंट का डिफरेंस है, क्लोज प्राइस तो चल रहा है 338, 100 डीएमए चल रही है 882, और 544 पॉइंट का डिफरेंस क्लोज प्राइस के अंदर चल रहा है, तो ये पूरा डिफरेंस इसको फिलअप करना पड़ेगा यदि इसको हमारे सिस्टम में बाय की रेंज में आना है। धीरे धीरे यहाँ देखिए सिस्टम फिलअप होता जा रहा है, 100 डीएमए बढ़ती जा रही है और क्लोज प्राइस उसके नज़दीक आता जा रहा है। लास्ट में यहाँ देखेंगे आप यहाँ जाके क्या हुआ, यहाँ पर 100 डीएमए से ऊपर जाके स्टॉक बंद हो गया,
पहली कंडीशन इसने पूरी कर दी, ये 100 DM में 509 रुपये 46 पैसे है, इससे ऊपर ये 522 रुपये पे बंद हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो क्लोज प्राइस है ये 6 मंथ के मिनिमम प्राइस के 20% से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ इस बार इसने कंडीशन पूरी की है, ये हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही प्यारा बनेगा, ये आपको साल में सिर्फ एक या दो बार ही एक शेयर में बताएगा कि अब इसका बॉटम आउट होकर के बॉटम से 20% ऊपर आने के बाद उसके 100 DMA के नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अब ये उचित समय खरीदने का। तो यहाँ इसने कहा कि उचित समय खरीदने का, तो अब हमें क्या करना था इस क्लोज प्राइस पे, ये हमारी सीट हम कब खोल के देखते हैं, मार्केट खुलने के पहले, मार्केट बंद होने के बाद और मार्केट खुलने के पहले खोल के देखते हैं। यहाँ इस दिन जो 24 जुलाई को मार्केट बंद होने के बाद खोली हमने, 27 जुलाई को मार्केट खुलना था उससे पहले खोली, तो इस क्लोज प्राइस पे हम ऑर्डर डाल के छोड़ देते हैं, 522 रुपये 25 पैसे पे इंडसइंड बैंक के शेयर खरीदने का ऑर्डर डाल देते। तो अगले दिन देखिए 505 तक इसने लो बढ़ाया था, ऐसा नहीं है इंट्राडे में, ये इंट्राडे के लिए नहीं, अगले दिन तो उल्टा नीचे जाके बंद हुआ था। देखो कोई इस विधि से इंट्राडे मत कर लेना, अगले दिन तो ये उल्टा 506 रुपये पे बंद हुआ था। ये मैंने कहा था ना स्विंग ट्रेड के लिए है, शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए, लगभग एक महीने की होल्डिंग में हम जो है 10% मुनाफा कैसे कमाएं उसके लिए है। तो इसका हमारा जो टारगेट क्या है, इसको मैंने सीधा 1.1 से गुणा कर दिया 10% बढ़ा करके इस क्लोज प्राइस को, तो 574 रुपये 48 पैसे से ऊपर बंद होगा तो हमारा टारगेट है। तो ये 24 जुलाई 20 को हमने खरीदा इसको, 522 रुपये 25 पैसे में लिमिट ऑर्डर लगा के रखा, अगले दिन ये 505 तक गिरा था तो शेयर आ जाता आपके खाते में। उसके बाद ये क्या होता 24 जुलाई के बाद, आप देखिए कुछ ही दिनों में यहाँ आपका टारगेट अचीव हो जाता 27 अगस्त को, 1 महीना और 3 दिन लगता, 605 रुपये पे जाके शेयर क्लोज हुआ, 522 पे खरीदा आपने, 574 का टारगेट था, और क्लोज प्राइस पे भी आप गिनते तो 605 पे यानी 10% से भी कहीं ज़्यादा ऊपर आपको टारगेट मिल गया 1 महीना और 3 दिन में। और सिस्टम जब तक अब आपका फिर से डू नॉट बाय बोल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक बार ये पॉजिटिव हो गया तो रोज रोज नहीं बोलेगा, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तभी सिस्टम कहेगा कि भाई अब ये 100 DMA से ऊपर चल रहा है, तो हमारा सिस्टम मान रहा है कि शेयर अभी महंगा है, 100 DMA से नीचे जाने तो उसके बाद लेंगे। तो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, 100 DMA से नीचे चल रहा है। यहाँ देखो एक बार फिर ये 100 DMA से नीचे चला गया था, 24 सितंबर को ये 100 DMA से नीचे बंद हो गया, अगले दिन 100 DMA से ऊपर बंद हुआ, तो यहाँ सिस्टम फिर पकड़ लेगा इसको, क्यों वो इससे मैच करेगा पिछले दिन के क्लोज प्राइस से, पिछले दिन का क्लोज प्राइस यदि 100 DMA से कम था, आज का क्लोज प्राइस 100 DMA से ऊपर है, तो सिस्टम कहेगा कि इसको परचेज कर लो। यहाँ फिर वही हमने चेक किया कि ये पिछले 6 मंथ के मिनिमम से कितना 20% बढ़ा हुआ भाव क्या है, 406 रुपये 2 पैसे, उससे ये क्लोज प्राइस ज़्यादा है, यानी ये सही ब्रेकआउट है, यहाँ भी आप खरीद सकते थे, यहाँ 514 रुपये 85 पैसे पे आपने फिर से खरीद लिया, वहाँ जो 10% प्रॉफिट बुक किया था 1 महीने पहले 25 सितंबर को, फिर से सिस्टम ने ब्रेकआउट बताया, फिर से खरीद लिया आपने, इस बार टारगेट 566 रुपये 34 पैसे का ही है, और वो टारगेट आप देखेंगे कि मात्र 4 दिन में ही ये आपके 592 रुपये पे बंद हुआ, यानी इस बार भी 10% से कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको मात्र 4 डेज के अंदर ही मिल गया, टारगेट लगातार दूसरी बार अचीव हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में हमने 20% के लगभग टारगेट अचीव कर लिया है। और आपकी पूंजी कितने दिन रही, आपने 23 जुलाई 20 से ही खरीदारी शुरू की, इससे पहले तो सिस्टम ने कहा ही नहीं, आपका पैसा आपके बैंक खाते में था, ब्याज कमा रहा था, शेयर में पैसा आपका कब लगा, 2 साल से आप भले ही इसके डेट को ट्रैक कर रहे थे, 2 साल नहीं कह सकते इसको, लगभग 1.5 साल कह सकते हैं, क्योंकि देखो 100 DMA निकालने से पहले हमने ऊपर के दिन तो कुछ जो है इसके सीट के अंदर भले ही 2 साल के डाटा लिए थे, लेकिन ऊपर के दिन हमने 124 दिन तो ऐसे ही छोड़ दिए थे, उससे पहले यहाँ भी आपको रियल ब्रेकआउट मिल जाता पुराने डाटा निकाल के देखेंगे तो, शेयर जो है बीच में 1800 रुपये के लगभग क्लोज हुआ था, तो 1800 के लगभग जब ये बीच में क्लोज हुआ था बड़ा था, तब आपको रियल उसके अंदर 1804 से पहले पहले इधर बात आना, उससे पहले आपको 100 DMA से ऊपर वाला और 6 मंथ के मिनिमम से वाला एक बार आपको टारगेट उसमें मिल जाता भले 10% का। लेकिन रियल में ये क्या है, इसको आप 11 मार्च 19 के बाद से ही काउंट कीजिए, लगभग ये 1.5 साल का डाटा था ये, तो 1.5 साल में आपने पैसा तो इसमें लगाया ही नहीं, सिस्टम ने आपको फास्ट ब्रेकआउट बताया, कभी आपका पैसा नहीं किया, आपने वास्तविक पैसा इसमें कब लगाया था, वो वास्तविक पैसा 24 जुलाई 2020 को लगाया था, और 1 महीने में 10% कमा के निकल गए थे, वही पैसा फिर से काम आ गया, तो 24 जुलाई के बाद ये अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के अंदर अंदर आपने 20%
पैसा इस सिस्टम से इंडसइंड बैंक जैसे गिरते हुए शेयर में कमा लिया, तो और क्या चाहिए आपको, बताओ आप मुझे। अब बात करते हैं पूंजी की और स्टॉप लॉस की। मान लीजिए आपकी पूंजी 6 लाख रुपए है, तो इसको 30 बराबर भागों में डिवाइड कीजिए और एक दिन जो ब्रेकआउट के स्टॉक आए उनमें 20,000 रुपए ही एक शेयर में लगाने। आपके पास 6 लाख रुपए लगाने के लिए है, क्योंकि ये तो रोज 1, 2, 3 शेयर बताएगा सिस्टम, तो आपको रोज जो है 1 या 2 या 3 शेयर बताएगा, लेकिन बताएगा तो बढ़ते मार्केट में बताएगा, ये तो श्योर है। तो जब मार्केट गिरेगा तो शेयर वैसे भी उसके 100 DMA से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेंगे, तो गिरते मार्केट में तो सिस्टम हमारा एकदम शांत रहेगा, या मार्केट बहुत ज्यादा बुल फेज में चला गया, बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादातर शेयर 100 DMA से ऊपर आ गए पर टूटने ही वाला है, ज्यादातर शेयर उस कमरे में घुसे और उसकी छत पे आगे नीचे कूदने ही वाले हैं, उस समय भी वो कोई शेयर नहीं बताएगा हमारा सिस्टम। लेकिन जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तब तो वो रोज आपको लगभग 1 या 2 या 3 शेयर बता देगा। जैसे अभी आपने देखा कि 3 शेयर उसने बताए आपको, बंधन बैंक बताया, कोटक महिंद्रा बैंक बताया और मदरसन सुमी बताया, तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, तो सीट ने ऑटोमेटिक बताया इसमें लगाना या नहीं लगाना, क्योंकि सेबी के रूल्स के अनुसार मैं रिकमेंडेशन डालूंगा तो मुझे पूरी रिसर्च रिपोर्ट डालनी पड़ेगी, मुझे उसके अंदर जो अपने खुद के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, मैं खुद उसके अंदर खरीद नहीं सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई इसके अंदर जो आपको जो डिस्क्लोजर फिर भी देता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक मेरी पत्नी की पर्सनल होल्डिंग में है और मैं खुद भी इसमें निवेश करने का विचार रखता हूँ सीट के अनुसार, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं समझी जाए, रिकमेंडेशन नहीं है ये। तो आपके पास 6 लाख की पूंजी है तो आपको 20,000 रुपए का एक शेयर में निवेश करना है, 3 लाख की पूंजी है तो उसको 30 से डिवाइड किया तो आपको एक शेयर में 10,000 का निवेश करना है, और 1.5 लाख की पूंजी है तो उसको 30 से डिवाइड किया तो 5,000 का एक शेयर में निवेश करना है। इससे कम पूंजी है तो कोई बात नहीं भाई, आपको निवेश तो 5,000 से कम मत करना, क्योंकि कम से कम 500 रुपए का प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा, 10% बढ़ेगा तब। यदि आप 20,000 का निवेश एक शेयर में करेंगे उसमें 10% प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको 2,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, 10,000 का निवेश एक शेयर में करेंगे उसमें 10% प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको 1,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, मिनिमम 5,000 का निवेश करेंगे उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको 500 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब उसमें कमेंट करेंगे कुछ लोग कि अरे बेवकूफ इसके अंदर ब्रोकरेज भी लगता है, तो भाई गाड़ी बत्ती वालों मान लो 50 रुपए ब्रोकरेज कम कर लो यार, 500 रुपए की जगह आपको 450 रुपए प्रॉफिट बच जाएगा, ब्रोकरेज इतना नहीं लगता मेरे तो जो है, मेरा जिस ब्रोकरेज कंपनी में खाता है वहां लगभग 10-20 रुपए में मेरा तो काम चल जाता है, 20-1 रुपए लगते हैं लगभग। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, तो प्रैक्टिकल उदाहरण से समझने के लिए कि आपने 20,000 का निवेश किया तो 2,000 का प्रॉफिट आपको 10% बढ़ने पे हो गया, कई बार टारगेट ज्यादा ही मिलता है, आपने देखा है सीट के अंदर पीछे मैंने इंडसइंड बैंक में समझाया कि 10% टारगेट था लेकिन क्लोज प्राइस तो कई बार 12% 13% 15% से ऊपर जाके बंद हुआ। तो इसमें इस तरह से आपको करना है, यदि पूंजी आपकी 1.5 लाख से भी कम है तो आप एक शेयर में 5,000 का निवेश करते हैं तो वही पैसा रोटेट हो करके वापस काम आने लगेगा, जो जो आपके प्रॉफिट बुक होने लगेंगे, और कभी मान लो 1.5 लाख रुपए गए आपका 30 शेयर की होल्डिंग होगी तो थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दो भाई, रुक जाओ थोड़े दिन, प्रॉफिट बुक हो तब आगे दोबारा सिस्टम को फिर से रिपीट कर देना। और वैसे ऐसा होता नहीं है इसमें, आपके लगभग ये सिस्टम ऐसा अच्छा है कि एक शेयर को साल में ये 1 या 2 बार ही कहता है, इस तरह से पूरा स्कैनिंग करके जांच होने के बाद आता है सिस्टम, इसलिए ऐसी कभी स्थिति आएगी नहीं। और अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो भाई निफ्टी 200 के आप शेयर खरीद रहे हो, निफ्टी 50 के शेयर खरीदो, सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं और देश की जो है 86% लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली सारी कंपनियां हैं, पूरे मार्केट की 86% जो मार्केट कैप है वो कंपनियां हैं, तो उनमें हम तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं, हम इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा करते, फिर भी किसी को ज्यादा स्टॉप लॉस की इच्छा हो तो मैं उसको स्टॉप लॉस भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई साल भर बाद यदि ये दोबारा सिस्टम फेल हो गया, मान लो आपके फिर भी फास्ट ब्रेकआउट हो गया इतना स्कैनिंग करने के बाद, वो टॉर्च मारने के बाद भी फास्ट ब्रेकआउट हो गया, तो वो शेयर जो आपने क्या अमाउंट लगाई, आपके पास 6 लाख रुपए थे, 20,000 रुपए एक शेयर में यदि ब्लॉक भी हो गए तो साल भर बाद फिर वो दोबारा इसी रेंज में आ जाता है, दोबारा बाय टूटे की रेंज में साल भर बाद आ जाता है, तो उसमें बाय फिर से कर लो तब वो अच्छा खासा एवरेज आउट हो जाएगा, क्योंकि साल भर वो यदि नीचे रहे तो उसकी 100 DMA भी नीचे आई होगी, तो दोबारा यदि उसको एवरेज आउट करने का मौका भी कब मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक जब बाय टूटे की रेंज में दोबारा आ जाए, पहले से आपके पास होल्डिंग रखी हो तो आप एक बार उसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें उस जो पहले मेरे सिस्टम जो मैंने बताए थे आपको, जो आपको डार्स बॉक्स चली वगैरह बताए थे, उसमें तो 5, 6, 7, 8 बार तक एवरेज आउट करना पड़ता था, तो इसमें एक बार खरीदने से काम चल जाएगा, कोई चाहे मुझे एवरेज आउट नहीं करना तो
तो कोई बात नहीं, 20,000 की पूंजी ही आपकी ब्लॉक कर दी शेयर के अंदर, ऐसा कोई शेयर फंसी गया मान लो, तो एक दुकानदार के भी सारा दुकान में माल बिक जाता है क्या? एक दुकानदार होता है वो शाम को जब घर जाता है तो जो माल उसका नहीं बिकता उसको बाहर फेंक के जाता है, स्टॉप लॉस करता है क्या दुकानदार? रात को 8 बजे कहता है क्या कि मेरे ये सामान नहीं बिका, मेरा स्टॉप लॉस है, कल नया लूंगा मैं इसको, सारे को मैं घाटा खा के बेच देता हूँ। तो अरे भाई, बिजनेस को बिजनेस की तरह सोच के कीजिए। तो मैं तो इसमें कोई स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करता। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक शेयर में यदि मान लो आपके पास 6,00,000 रुपए 20,000 का मैक्सिमम निवेश है, तो ज्यादा ज्यादा कंपनी उठेगी भागी गई तो क्या होगा, 20,000 रुपए जाएंगे। ऐसा कभी निफ्टी 200 की जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें हुआ नहीं है। यस बैंक में निफ्टी का पार्ट था तो अभी तक भागा नहीं है, गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए आपके शेयर भले ही ब्लॉक किए हो लेकिन उठा तो नहीं है ना। बैंक तो वैसे के वैसे अपना बिजनेस तो कर ही रहा है, आज नहीं तो कल उसके बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। तो मुझे, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप कुछ फॉलोअर ये प्रश्न भी पूछेंगे कि सर आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक की हार्ड कॉपी कब आ रही है, प्रिंट एडिशन कब तक आ रहा है? तो प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट पे जाइए, प्रभात प्रकाशन के नंबर लीजिए, उनको पूछिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट तो 2 महीने पहले ही कर लिया। मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश करेंगे, कब इसकी हार्ड कॉपी पब्लिश करेंगे। जैसे ही वो पब्लिश करके मुझे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो मैं आपको उसका जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा। अब लगभग आने वाली होगी क्योंकि वो उनके पास काफी सारी किताबें छापते हैं वो लोग, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में भी समय लगता है और हार्ड कॉपी छापने में भी समय लगता है। वो आखिर जो पब्लिशर्स हैं उनको छापनी पड़ती है प्रैक्टिकल के अंदर, तो जब भी छप के आएगी आप थोड़ा उनसे, आप चाहें तो उनसे ईमेल करके वार्ता करें, प्रभात प्रकाशन से एग्जैक्ट डेट के बारे में आइडिया ले सकते हैं। और बाकी जो ब्रोकर भाई वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया मुझे फोन नहीं करें, मैं किसी भी ब्रोकरेज कंपनी के साथ कभी भी तालमेल वगैरह नहीं करूंगा। मैं आपका लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। यदि किसी ब्रोकरेज का सिस्टम अच्छा है तो मैं उसको वैसे ही भले ही बता दूंगा, कोई अच्छा सिस्टम मुझे पसंद आए, लेकिन मुझे कृपया मेरे सिद्धांतों से डगमगाने का प्रयास मेरे साथ नहीं करें, कृपा करके मुझे फोन नहीं करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक अवश्य करें, इसको कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।